हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ज्योति ऑफिशियल। और कैसे हैं आप सब? आई हो बढ़िया होंगे। और आज बनाने वाले हैं हम पनीर के पराठे। तो मेरे यहाँ पे कैसे बनाए जाते हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे यहाँ पे कोई ज़्यादा यूनिक सी रेसिपी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, जैसे गाँव में बनती है सिंपल रेसिपी। तो वही रेसिपी मैं आज बनाने वाली हूँ। और मैं मोस्टली जो मेरे ब्लॉग्स हैं वो आपको शाम को ही मिलेंगे, दो तीन ब्लॉग तो शाम को मिल गए हैं। और जो आगे आने वाले हैं इसमें रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो मेरे शाम को मिलेंगे, क्योंकि ना मेरे यहाँ पे शाम को ही सब्जी बनती है, तो मैं शाम को ही दिखा देती हूँ। और गाँव में तो ना मोस्टली सबके घर पर ना एक टाइम सब्जी बनती है, वो भी वो हो जाता है कि शाम सुबह कैसे बना लेते हो। तो गाँवों में सब्जी एक टाइम से काम चल जाता है, क्योंकि सबके घर पे भैंसें बंधी हुई हैं, तो वो घी जो मतलब हो जाता है ना, दही लस्सी दूध और घी रख के खा लो, गर्म गर्म रोटी पे चटनी वगैरह रखा के खा लो, तो उसके लिए इतनी सब्जी की जरूरत नहीं पड़ती है इधर गाँवों में। तो घी दूध से काम चल जाता है, तो वो सब लोग खुश होकर खा लेते हैं। तो एक टाइम सब्जी बन जाती है तो हम अगले दिन भी सुबह ही उस मतलब जो टाइमिंग हो उसी टाइम पे खा लेते हैं, दूसरे टाइम पे भी हम उसको खा लेते हैं। जरूरी नहीं है कि हमें हर दोनों टाइम फ्रेश चीज़ चाहिए होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमें एक टाइम का बनाओ, दूसरे टाइम हम खा लेते हैं खाना। तो ऐसे हो जाता है हमारा मैनेज सारा। बस अब थोड़ा सा काम कर देते हैं, क्योंकि दूध का टाइम हो रखा है, तो दूध निकालेंगे और उसके बाद फिर हमारी रेसिपी स्टार्ट करेंगे। तो आप वीडियो पूरा देखना, अच्छा और पूरा देखना, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए फिर चलते हैं। सबसे पहले चटनी की तैयारी कर लेते हैं। और जो मेरी फैमिली है ना, वो पराठे किसी चीज़ के भी हों, सिंपल हो या आलू के किसी चीज़ की मस्त पराठे हों, उसके साथ चटनी खाना पसंद करते हैं। और दही, अगर दही ना हो तो लस्सी वगैरह खा लेते हैं, पर चटनी तो ज़रूरी होती है, पराठों के साथ चटनी चाहिए इनको। तो मैं चटनी बना रही हूँ मरवे की, और मरवे की चटनी कैसे बनती है और क्या होता है वो ऑलरेडी चैनल पर है अपलोड, मैं लिंक डाल दूँगी, आप तक देख लेना। और ये है मेरा पनीर, तो और ये है प्याज, और ये है सारे स्पाइसेस और हींग वगैरह हैं, सारी चीज़ें हैं। तो सबका अलग अलग तरीका होता है बनाने का, कोई कैसे बनाता है कोई कैसे बनाता है, तो मेरे यहाँ तो यही तरीका चलता है बनाने का। तो कद्दूकस मैंने कर लिया है पनीर को, और ये थोड़ा टाइट ही था क्योंकि फ्रिज में रखा हुआ था, ओवर नाइट छोड़ दिया था मैंने फ्रिज में, और थोड़ा टाइट ही ठीक लगता है। और आप किसी भी शेप में जैसे कर सकते हो उसको, कद्दूकस बारीक वाले में, मोटे वाले में, कैसे भी। और आप इसे हाथ से भी चूर सकते हो, मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हो, तो एज यू विश कि आप कैसे करना चाहते हो। तो मैंने तो कद्दूकस किया है, और अब चढ़ा दी मैंने कढ़ाई, क्योंकि इसको मैं छोंकने वाली हूँ, मैं इसकी भुजी बनाने वाली हूँ। और तेल गर्म हो गया, मैंने साथ में डाल दिया हींग, और हींग डालने के बाद मैंने डाल दिया प्याज। प्याज को भी हल्की सी ब्राउन कर लेंगे, बिल्कुल गलानी नहीं है, जो थोड़ा थोड़ा मतलब पराठों में आता है ना कच्चापन प्याज का, वो अच्छा लगता है। तो ज़्यादा नहीं पकाने वाली हूँ मैं इसको, और इसको मैं ज़्यादा तीखा भी नहीं करने वाली हूँ भुजी को, और ना ही ज़्यादा स्पाइसी डालने वाली, क्योंकि जो बच्चे खाने वाले हैं तो मैं चटपटा बिल्कुल नहीं बनाऊँगी, बहुत कम से कम मसाले डालूँगी मैं इसके अंदर। तो मैंने डाल दिया चाट मसाला, डाल दिया हल्दी, डाल दिया इसके साथ में, और उसको मिक्सअप कर लेंगे। और जो मिर्च को तो बिल्कुल ना के बराबर खाते हैं, बहुत कम मिर्च खाते हैं, और फिर कम इसमें इसलिए डाली क्योंकि साथ चटनी होगी, चटनी के साथ खाई जाएगी पराठे, तो इसलिए। और लास्ट में आ जाती है गरम मसाले की बारी, और साथ ही साथ डाल देंगे नमक, और इन चीज़ों को मिक्सअप करके हम लोग हमारी भुजी रेडी हो जाएगी। और मैंने इसमें धनिया धनिया भी इसमें ऐड कर सकती हो, तो धनिया मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने ऐड नहीं किया। और ये है भुजी हमारी बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार हुई है। तो अब कर लेते हैं तैयारी पराठे बनाने की, और अंधेरा शुरू हो गया था होना, तो फिर सोचा जल्दी जल्दी बना लेते हैं, बाद में फिर ना दूध वाले आ जाते हैं हमारे, तो जो उनके साथ फिर दूध डालना होता है, फिर बैठ जाते हैं थोड़ी देर गप्पे मारने के लिए। तो मैंने लोई ले ली है, और पराठे कुछ हमारे यहाँ पे ज़्यादा मोटे ही खाए जाते हैं, क्योंकि पराठे ना मोटों में एक तो जो फीलिंग होती है वो ज़्यादा भरी जाती है कोई भी हो, और मोटे ना थोड़े अच्छे लगते हैं, तो इसलिए, और अच्छे से कुरकुरे हो जाते हैं तवे पे पड़े पड़े, तो हमारे यहाँ मोटे खाए जाते हैं सारे परोठे, किसी चीज़ के परोठे वो मोटे खाते हैं। प्लेन परोठा तो जैसे हम रोटी खाते हैं ना उसी शेप में बनाते हैं, और उतने आटे का बनाते हैं, ज़्यादा मोटा नहीं बनाते, बस ये और जो पराठे हो वो मोटे बनाते हैं। तो मैंने जो रोटी है वो बना ली है, और उसके अंदर डाल लेंगे हम जो पनीर की भुजी है वो डाल लेंगे, और
अच्छे से इसको राउंड राउंड करके इसको घुमा लेंगे और हल्के हल्के हाथ से बेलेंगे। अगर टाइट बेलेंगे तो फट जाएगी, वैसे ही फटते तो कमी है क्योंकि थोड़ा जो आटा होता है वो हमारा ढीला होना चाहिए पराठा के लिए, और जो हमारा स्टफिंग है वो तो सूखी है तो अच्छे से फटेगा नहीं, अच्छे से बन जाएगा हमारा पराठा। और ये देखिए अब मैं सेक के बता देती हूँ आपको, तो ये देखिए दोनों तरफ से हमें इसको ना हल्का सेक लेना है अच्छे से और फिर इस पर घी लगा देना है। कुछ धुआं ज़्यादा उठा हुआ है क्योंकि एक तो चूल्हा है, चूल्हे पे धुआं उठता है ये सबको पता होता है, और एक ये घर का घी है तो इसलिए शायद धुआं ज़्यादा आ रहा है इसका। तो मैंने आपको 3-4 परोठे बना के दिखा दिए हैं और अब मैं सेक के बता देती हूँ कि कैसे सेकते हैं। मेरे यहाँ पे बिल्कुल कुरकुरे पराठे खाए जाते हैं। तो ये देखिए दोनों तरफ से मैंने सेक लिया अच्छे से, तवे पे सेक लिया और घी लगाने से पहले सेक लिया, तवे पे सेकते हैं वैसे तो मैंने घी लगाने से पहले ही सेक लिया और फिर अब घी लगा के इनको कुरकुरे कुरकुरे हल्के आँच को जो हल्की हल्की रखें, और हवा चल रही है बहुत तेज, आप देख सकते हैं आग को देख के पता चल जाएगा आपको कि कितनी तेज हवा चल रही है। तो देखिए कितना मतलब पराठा कितने अच्छी तरह से सीख गया है मेरा, कुरकुरा हो गया, रेड रेड चित्तियाँ आ चुकी हैं इस पर, और ऐसे ही पराठा खाना पसंद करते हैं मेरे यहाँ पे, बिल्कुल कुरकुरा कुरकुरा मोटे मोटे। तो ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में। और ये है मेरी थाली, मैंने रख दिए 2 परोठे और ये साथ में दही की कटोरी और साथ में चटनी की कटोरी। तो चटनी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे घर पे सबको पसंद है बहुत ज़्यादा, खासकर मेरे बेटे को। मेरे बेटे को इतनी सब्ज़ी पसंद नहीं थी लेकिन चटनियाँ खाना पसंद है तो चटनी बहुत खुश होकर खाते हैं। और मैं आप इसको एक बाइट तोड़ के दिखा देती हूँ आपको, आपके मुँह में पानी आ जाएगा देख के। ये देखिए पूरी में फैल चुकी है हमारी फीलिंग, ये देखिए देख के मुँह में पानी आ रहा है, और जो सारा हमारा मक्खन है वो मेल्ट हो चुका है, और मक्खन में डिप करके और साथ में थोड़ी चटनी लगा के और दही लगा के इसको इंजॉय करो, बात ही अलग होती है। वाह,